यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन तीन इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। थ्री इंडियंस दैट शुड लीव इंडिया नेवर रिटर्न आर। अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने तीन इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। अब ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा? देश के सबसे बड़े आतंकवादी, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी हो? लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो तीन नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रमिला थापर। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो दो नाम है, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट, क्योंकि रोमिला थापर कहती है कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आम तौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है, और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया, रोमिला थापर भारत छोड़ो। बात क्या है ना, असल में दोस्तों ऐसी चीजें बोलना इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो हजार सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और हजार सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाए। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ हजार सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती है। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल 1984 में डबल थिंक नाम के कॉन्सेप्ट की बात करी गई। उस नॉवल में जो ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं वो दो कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज को साथ साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है उन लोगों के दिमाग में जो शिवाजी की पिक्चर है वो भी कुछ ऐसे हो कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं और उनके पीछे है हिंदुओं की पूरी आर्मी भगवे रंग से सजी हुई, दूसरी तरफ औरंगजेब खड़ा है और उसके पीछे है मुसलमानों की पूरी आर्मी, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो तैयार हो जाओ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं शरीफ जी नाम कहां से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंट्स और मुस्लिम सूफी सेंट्स दोनों की रिस्पेक्ट किया करते थे। असल में बात क्या है ना, उस जमाने में कोई बीजेपी, कोई गोदी मीडिया, कोई व्हाट्सएप माफिया नहीं था हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाला। इसलिए इवन दो छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते थे। केलेशी गांव के याकूत बाबा, शिवाजी अक्सर इनके पास जाया करते थे इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। खुद से वो हमेशा रिलीजियस फ्रीडम के फेवर में रहे थे। 2 नवंबर साल 1669 में लिखी गई ये एक चिट्ठी है। पंडित रघुनाथ राव शिवाजी के द्वारा दिए गए एक आदेश को कोट कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज कहते हैं कि हर किसी को अधिकार हो अपना धर्म फॉलो करने का और कोई भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नोट किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप हर जगह हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए ताकि लोग अपनी प्रार्थना, पूजा या नमाज पढ़ पाए। ये पीर्स और मस्जिदों की भी अरेंजमेंट्स को देखते हैं। हिस्टोरियन काफी खान नोट करते हैं कि शिवाजी के समय एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सोल्जर्स जाएं वो किसी भी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एक समय उनकी आर्मी ने एक मुस्लिम गवर्नर की डॉटर इन लॉ को कैप्चर कर लिया था और शिवाजी के सामने एक तोहफे के तौर पर उस लड़की को प्रेजेंट किया गया। जानते हैं शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने इस औरत के सामने जाकर माफी मांगी और बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उसे वापस भेज दिया।
बीजेपी के जो लोग हैं वो शिवाजी की इस महानता को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके रोल मॉडल हैं सावरकर। और सावरकर पता है क्या चाहते थे? कि औरतों को मोलेस्ट करना, औरतों के खिलाफ अत्याचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए किसी भी वॉर में। हम जानते हैं कि श्रीराम भी कितना रिस्पेक्ट करते थे सभी औरतों को, लेकिन सावरकर रावण को कोट करता है कहते हुए कि औरतों को अबडक्ट करना और मोलेस्ट करना परमो धर्म है। इसके बाद सावरकर ने एक्चुअली में शिवाजी के खिलाफ भी लिखा, ये कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत को वापस कैसे भेज दिया रिस्पेक्टफुली। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि सावरकर के फॉलोअर्स आज के दिन मोलेस्टर्स को मिठाइयां देते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता है उन्हें पार्टी की टिकटें दी जाती हैं और उनके ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। सन 1648 करीब 500 से 700 पठान जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पान संबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देखकर आए हैं, इन्हें वापस मोड़ देना सही नहीं होगा। ग्रैंड डफ के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठास में हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी ने इस एडवाइस को ना सिर्फ सुना बल्कि इसे अपनी पॉलिसी बना दिया। इसी की वजह से ही शिवाजी की आर्मी में ढेर सारे मुसलमान थे और बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वी के राजवाड़े अपनी किताब मराठांचिया इतिहास ची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, श्यामा खान। शिवाजी के टॉप नेवी चीफ्स में से दो लोग थे, दौलत खान और दरिया सारंग। इसके अलावा कुछ और भी थे जैसे कि सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान जो कि उनकी आर्टिलरी का कमांड संभाल रहे थे। उनके सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस भी खुद एक मुस्लिम थे, मौलाना हैदर अली। क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में? शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो जरूर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिलशाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफजल खान के एडवाइजर कौन थे? कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, एक हिंदू ब्राह्मण। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्तम जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहाँ एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर कभी नहीं बताई जाएंगी क्योंकि उनके ब्रेन वॉश करने के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अच्छा, और औरंगजेब का क्या? यहाँ पर औरंगजेब की बात करके हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहाँ शिवाजी ने अपने 23 किले खोए जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया। जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब हुवत शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटी चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और ये सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए, जिस किंगडम में ये रहते थे। सालेरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब के लेफ्टिनेंट्स ने दक्षिण में एक हिंदू ब्राह्मण को एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ताकि शिवाजी से वापस से फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके। दूसरी तरफ से शिवाजी ने काजी हैदर को अपना दूत भेजा, यानी कि एक मुस्लिम राजा का हिंदू एम्बेसडर था और एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम एम्बेसडर था। और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब ने अपने चीफ दीवान के तौर पर एक हिंदू को अपॉइंट किया था, राजा रघुनाथ रे। और साल 1664 में जब रघुनाथ रे का देहांत हुआ, पता है औरंगजेब ने क्या कहा था? कि ये इतिहास के सबसे महान एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें जानते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल्स पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। एम आथर अली अपनी किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं, साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर, यानी कि टोटल में से 1/5 सिर्फ मराठा थे। औरंगजेब ने इतने मराठाओं को एम्प्लॉय कर रखा था ताकि वो डेकन तक अपनी पहुंच बना सके। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं, औरंगजेब के समय में एक्चुअली में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। हिस्टोरियन एस ए ए रिजवी लिखते हैं कि जो अकबर के समय पॉलिसी थी को एग्जिस्टेंस की, सभी धर्मों को एक बराबर देखने की, औरंगजेब के शासन में वो धीरे धीरे खत्म होती गई। साल 1665 में औरंगजेब ने हिंदू ट्रेडर्स पर लग रही कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया और दुगना कर दिया जो मुस्लिम ट्रेडर्स पे करते थे उससे। दो साल बाद मुस्लिम्स पर लगने वाली सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। साकी मुस्तईद खान की मासिर ए आलमगिरी एक फारसी भाषा की किताब है, इसमें लिखा गया है कि कैसे औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया
जाए ताकि इस्लाम को ढंग से एस्टेब्लिश किया जा सके। व्हाट्सएप का माफिया प्रोफेसर और हिस्टोरियन इरफान हबीब को एक विलन बना देता है क्योंकि वो कहता है कि इरफान हबीब कभी इनकी बात ही नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में प्रोफेसर इरफान हबीब ने कभी भी इन चीजों को मना नहीं किया। इन्होंने कहा है कि कैसे औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। एक और हिस्टोरियन जिनके खिलाफ बहुत नफरत फैलाई जाती है इस माफिया गैंग के द्वारा, वो है ऑड्री ट्रुस्के। लेकिन उनके इस आर्टिकल को देखिए जो इन्होंने स्क्रॉल में लिखा था, इन्होंने भी कह रखा है कि औरंगजेब ने बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट किया। लेकिन अब तैयार हो जाइए दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट के लिए। साल 1654 में औरंगजेब ने एक प्रिंसली ऑर्डर भेजा था राणा राज सिंह को, जो कि मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा थे। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े राजा ईश्वर की परछाई होते हैं और हर राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर मजहब के लोग उसके शासन में शांति से रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसी चिट्ठी में इन्होंने हर उस राजा के खिलाफ लिखा जो तासुब करता है, बिगिट्री करता है, किसी भी भगवान की जगह को तबाह करके। इन्होंने लिखा कि जब ये सत्ता में आएंगे तो इन सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को होने से रोक देंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनो, औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया 31 जुलाई साल 1658 को, और फरवरी 1659 में उसने एक फरमान भेजा बनारस में। इस फरमान में लिखा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ हिंदू लोगों को यहाँ पर हरेस किया गया है, स्पेशली कुछ ब्राह्मण लोग जो यहाँ पुराने पुराने मंदिरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने इस फरमान में लिखा कि सभी ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया जाता है कि कोई भी इस जगह में डिस्टरबेंस नहीं फैलाएगा, ना किसी ब्राह्मण ना किसी हिंदू पर कोई चोट आनी चाहिए। ये कोई एक दो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है, काफी है। साल 1687 में औरंगजेब ने बनारस के एक घाट पर खाली जमीन पर ऑर्डर किया कि यहाँ पर घर बनाए जाएं पायस ब्राह्मण्स और होली फकीर्स के लिए। साल 1680s में औरंगजेब ने एक रिलीजियस डिस्कशन करी बैरागी हिंदू शिव मनगलदास महाराज के साथ और तोहफों की उन्होंने बरसात करी। साल 1691 में चित्रकूट में एक बालाजी मंदिर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने महंत बालकदास निर्वाणी को जमीन दी टैक्स फ्री और 8 गांव दिए। लिस्ट बहुत लंबी है, अलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। सेम पॉलिसी हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन्स के लिए भी एक्सटेंड करी गई। लेट 1650s में औरंगजेब ने जमीन दी शत्रुंजिया, गिरनार और माउंट अबू की जगहों पर। ये सारी जैन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है गुजरात में। ये सब सुनकर दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि एक तरफ औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनाने के लिए ये जमीन दान कर रहा था, ये कैसे हो सकता है? औरंगजेब एक कम्युनल राजा था या एक सेक्युलर राजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में एमिनेंट हिस्टोरियन हरबंस मुखिया नरेंद्र मोदी को एक मॉडर्न पैरेलल बुलाते हैं औरंगजेब का। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था और औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं, कहते हैं कि 30 सालों तक वो भिक्षा पर जिए हैं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। औरंगजेब भी खुद को एक साधु की तरह बताता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में अपने पैसे कमाए कुरान की कॉपियां बनाकर और नमाज की टोपियों की स्टिचिंग करके। तीसरा, दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा इन चीजों को, इन आर्टिकल्स को देखो। नरेंद्र मोदी इस्लाम की प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्लाम पीस और हार्मनी का मैसेज फैलाता है। पीएम मोदी कहते हैं कि मुसलमान यूथ के लिए उनका एक विजन है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। पीएम मोदी कहते हैं कि मालदीव्स की आइकॉनिक फ्राइडे मस्जिद की कंजर्वेशन में इंडिया मदद करेगा। पीएम मोदी बीजेपी वर्कर्स को एडवाइस देते हैं कि प्लीज एंटी मुस्लिम रिमार्क्स मत फैलाओ। इन ट्वीट्स को भी देखिए, पीएम मोदी ईद पर बधाई देते हैं, कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना होगा। मुहर्रम की ओकेजन पर लोगों को हजरत इमाम हुसैन के सैक्रिफाइस का याद दिलाते हैं। ये तो हो गए हमारे सेक्युलर मोदी, अब दूसरी तरफ कॉम्युनल मोदी को देखिए। CANRC प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि ये आग लगाने वाले कौन है, इनके कपड़े देखकर इन्हें पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इनकी लीडरशिप के अंडर एक से बढ़कर एक बीजेपी पॉलिटिशियंस ने नफरत खोर भाषण दिए हैं, लिंचिंग्स हुई हैं, बिल्किस बानो केस के कॉन्विक्ट्स को यहाँ पर मालाएं चढ़ाई गई हैं, उन्हें मिठाइयां दी गई हैं, उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बुलाया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डेली आपको कोई ना कोई मैसेज आता है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिसेंटली भी पीएम मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम्स के खिलाफ डॉग विस्लिंग करी। इन्होंने ऑपोजिशन पर आरोप डाला कि उनका मुगल माइंडसेट है। सावन के महीने में
मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। ट्विटर पर एक से बढ़कर एक अकाउंट जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, पीएम मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉम्युनल मोदी। व्हाट्सएप पर आपके फोन पर मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि देखो हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया है मुगलों ने सदियों से, और इसके बाद भी अगर कोई हिंदू सेक्युलर रहे तो वो कायर हिंदू हो। ऐसी ही चीजें लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप में। मैं यहाँ पर इन व्हाट्सएप माफिया वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपने आप को शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर समझते हो? क्योंकि फर्क जानते हो पता है क्या है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के समय पर ही जीते थे, लेकिन फर्क जानते हो क्या है, शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे, वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। किसी भी इतिहास की किताब में इसका एक सबूत तक आपको नहीं मिलेगा जहां शिवाजी ने किसी भी मुस्लिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करी हो। औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स लगाया था, इसको लेकर शिवाजी ने पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कुरान की किताब ईश्वर का शब्द है, इसमें लिखा गया है कि जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों उसके सामने एक बराबर है। तो किसी भी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना उस ईश्वर के खिलाफ जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि औरंगजेब के शासन में दोनों हिंदू और मुसलमान सोल्जर्स नाखुश हैं, अनाज का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए जिजिया टैक्स लगाना ब्राह्मण बैरागी और जैन साधुओं पर सही नहीं है। शिवाजी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि गरीबों पर ऐसा टैक्स लगाना मुगलों के ट्रेडिशन के खिलाफ जाता है। ना तो अकबर, ना जहांगीर और ना ही शाहजहां ने कोई ऐसा जिजिया टैक्स लगाया था। शिवाजी यहाँ पर अकबर की तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि उनका राज 52 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने सबको एक बराबर देखा, यही कारण है कि लोग उन्हें जगत गुरु मानते हैं। अब मुगल शहंशाह अकबर की बात करी जाए यहाँ पर दोस्तों, तो फिर से वही कहानी आ जाती है। व्हाट्सएप पर आपको एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राइवलरी दिखाई जाती है, जैसे शिवाजी औरंगजेब की थी, यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक हिंदू मुस्लिम राइवलरी दिखाई जाती है, दिखाने के लिए कि देखो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये था हमारा इतिहास। लेकिन फिर से एक बार व्हाट्सएप के बाहर अगर आप नजर डालोगे असली इतिहास पर, आपको दिखेगा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस स्टैचू को देखिए, ये है अफगान के पठान हकीम खान सूर, शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट। ये एक मुस्लिम वॉरियर हैं जो बड़ी महानता से महाराणा प्रताप की साइड पर लड़े थे, और इन्होंने अपनी जान खोई थी हल्दी घाटी की लड़ाई में। दूसरी तरफ अकबर के पास थे हिंदू जनरल राजा मान सिंह और उनकी आर्मी में ढेर सारे राजपूत सोल्जर्स। व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस आपको कहानी सुनाते हैं कि कैसे औरंगजेब के समय में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन जो वो आपको नहीं बताते वो ये कि इस मंदिर को बनाया किस समय गया था। अकबर के शासन में इसे बनाया गया था राजा मान सिंह के सुपरविजन में। अगर एक मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को तोड़ा तो दूसरे मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को बनाया भी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी अकबर को एडमायर किया था अपनी G20 की किताब भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। इसके 38th पेज पर लिखा है कि कैसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर एक तरीके की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे, जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता था। अकबर ने सुलह एक कुल की डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका मतलब है पीस फॉर ऑल, सबके लिए शांति रहे। इस बुकलेट में नवरत्न का भी मेंशन किया गया है, जो कि 9 वाइज लोग थे जो अकबर के काउंसलर्स थे, जिनकी मदद से अकबर ने जनता के हक में स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया था। और व्हाट्सएप के छात्रों के लिए मैं ये भी बता दूं, इन 9 में से 4 एक्चुअली में हिंदू थे, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल और तानसेन। क्या आप ये जानते हो संत तुलसीदास ने रामचरितमानस को भी अकबर के शासन में लिखा था? इतना ही नहीं, रामलीला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी मेघा भगत के द्वारा, जो कि तुलसीदास के ही एक डिसिपल थे। बहुत सी हिंदू एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और कथा सरित सागर, इन सबको इसी समय के दौरान अकबर के शासन में पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया था। सिर्फ अकबर ही नहीं, मुगल प्रिंस दारा शिको ने भी 52 उपनिषद और भगवद गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनका मानना था कि उपनिषद किताब अल मकनून है, ये वो हिडन लॉस्ट बुक जिसका कुरान में मेंशन किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी की पहली मोनोथीस्टिक टेक्स्ट थी। इन्होंने उपनिषद्स की इंपॉर्टेंस प्रोक्लेम करी सारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिस्टोरियन के मोहम्मद कहते हैं कि जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी उपनिषद्स की, इसी की मदद से बाद में जाकर इन्हें फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद ये पहुंची अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाडलो एमर्सन के पास, और इसी की वजह से दुनिया भर में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहां इंडियन रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। ये सब
हुआ एक मुगल प्रिंस दारा शिको की वजह से। ये सब आपको व्हाट्सएप में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो आएगा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से आएगा, ताकि आपके दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत जगाई जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें पैदा करी जाए। ऐसा नहीं किया तो इनका ब्रेन वॉश वाला एजेंडा फेल हो जाएगा। फिर ये बाद में कैसे दिखाएंगे कि हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है और मोदी को वोट करो। दिल्ली की डलहौजी रोड को भी रीनेम किया गया दारा शिको रोड में बीजेपी लेड एनडीएमसी के द्वारा फरवरी 2017 में। और 2020 में मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी एक 7 मेंबर का पैनल सेटअप किया था अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ताकि मुगल प्रिंस दारा शिको के ग्रेव को लोकेट किया जा सके। और जब हम यहां पर मुगलों की और सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को कैसे भूल सकते हैं। क्या आप जानते हैं वो ईद मनाने के साथ साथ दशहरा और दिवाली भी मनाते थे। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के सख्त खिलाफ थे। 1857 की रिवोल्ट के दौरान मेरठ से कई सिपाही उनके पास आए और उन्हें अपना राजा प्रोक्लेम किया। इसके बाद उन्होंने कई सारे नवाबों को, जमींदारों को और लोकल राजाओं को कहा कि आओ साथ में मिलकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इन्होंने हाथ मिलाया नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल और कई सारों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और एग्जाइल पर बर्मा भेज दिया जाता है। जब हमारे सेक्युलर प्रधानमंत्री मोदी 2017 में वहां गए थे, तो उन्होंने जफर की मजार को भी विजिट किया था और उन्हें फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया था। लेकिन इन मुगलों के अलावा भी दोस्तों ऐसे कई मुस्लिम राजा थे जो सेक्युलर थे, जैसे कि अवध के आखिरी राजा वाजिद अली शाह, जिन्होंने आदाब को इंट्रोड्यूस किया लखनऊ में एक सेक्युलर सैल्यूटेशन के तौर पर। कश्मीर के जाइनुल अबिदीन, जिन्होंने जिजिया टैक्स को अबॉलिश किया और हिंदू सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए इन्होंने गौ हत्या पर भी बैन लगा दिया। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर में पेट्रिनेज भी एक्सटेंड किया। अब राजाओं का ये इतिहास इकलौता सबूत नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारा सबूत है जो ये साबित करता हो कि आम हिंदू और आम मुसलमान इतिहास में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। व्हाट्सएप पर जो आपको बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी चलती थी पिछले हजारों सालों से, या हिंदू मुसलमानों के नीचे दबकर रहते थे, ये सब झूठ। जो कॉर्डियल रिलेशंस हमें हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिलते थे, उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। लोग हिंदू और मुस्लिम संतों को साथ में रिस्पेक्ट करते थे, साथ में एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, पेंटिंग्स और म्यूजिक जैसे आर्ट फॉर्म्स फ्लरिश करते थे। इस टॉपिक पर इतना कुछ है कहने को कि इसकी बात करने के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूं मैं। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें, हमें आज भी देखने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम्स रामलीला को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई मुस्लिम्स भाग लेते हैं रामलीला में अलग अलग रोल्स करते हुए, कोई रावण के पुतले बनाते हैं। कितनी ही फोटोज आपको मिल जाएंगी जहां पर मुसलमान बच्चे अपने आप को राधा और कृष्ण की तरह ड्रेसअप करके जन्माष्टमी बनाते हुए दिखते हैं। मुस्लिम सिंगर मोहम्मद रफी, मुस्लिम लिरिसिस्ट शकील बदायूनी, मुस्लिम म्यूजिशियन नौशाद, इन सब ने कैसे कैसे भजन बनाए हैं, क्या आप जानते भी हैं? मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिना बिगरे। आज हमें ये भी देखने को मिलता है कि हिंदूज इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। ये जरूर है कि कम्युनल दंगे हमें टाइम टू टाइम देखने को मिले हैं। नफरत खोर लोग टाइम टू टाइम निकल कर आए हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, हमारे देश में एक दरार बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले हजार सालों में जो भी कुछ हुआ हमारे देश में, हम हिंदुओं ने और मुसलमानों ने साथ में मिलकर उसे सहा है। वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे सामने आज फिर एक सत्ता का भूखा नेता खड़ा है जो हमें बांटना चाहता है, डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना चाहता है। ये करने के लिए व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ताकि हमारे दिलों के अंदर नफरत बोई जा सके। कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये कहकर, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है, आप खुद बताइए। हमें असली आजादी तो सिर्फ 2014 के बाद मिली है। ये बार बार वही रेफरेंस है इस व्हाट्सएप माफिया के प्रोपेगेंडा का, जो कहता है कि हिंदू तो हमेशा से गुलाम रहे थे, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली हजारों सालों से हम बस जूते के नीचे दब कर रहे थे, और असली कॉन्फिडेंस तो हमें अभी मिला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या ये सब भी कॉन्फिडेंस लैक करते थे? तुलसीदास, मीराबाई, स्वामी विवेकानंद जैसे हिंदू सेंट्स, क्या ये सब भी कॉन्फिडेंस लैक करते थे? साल 1893 की शिकागो की स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिखाई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ये व्हाट्सएप माफिया देश के सभी हिंदुओं का अपमान करता है ये कहकर कि हम तो हजार सालों से बस गुलामों की तरह जिए हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब इस व्हाट्सएप माफिया को खत्म करने का समय आ गया है।